अब हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को टीकोत्सव के तौर पर मनाया गया था। हर व्यक्ति तक वैक्सीन को किस तरीके से पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन होना है, उसके बाद भी आरोप लगे कि अगर उनके जन्मदिन के दिन लग सकते हैं तो फिर बाकी दिन क्यों नहीं लग सकते। अब ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि तेजी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अमित, आप ये बताएं हर स्टेट में किस तरीके से ये वैक्सीनेशन ड्राइव चली है और पूरे देश में अगर ये लक्ष्य हासिल हुआ है 1 बिलियन का, 100 करोड़ का, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिरकार हमने 9 महीने के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ कैसे। उसको अगर समझना हो तो एक दिन में हमने किस तरह से कितने डोजेस लगाए उसको समझिए। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में कितने डोजेस लगे हैं। देखिए, 17 सितंबर को 2.5 करोड़ डोजेस लगाए गए थे, उस दिन रिकॉर्ड बना था। उसी तरह से अगर हर दिन देखा जाए तो किस तरह से आपने अचीव किया इतने सारे डोजेस को एक दिन में लगाना। एक घंटे में हमने 15,62,000 डोजेस लगाए हैं और उसको अगर मिनट में देखा जाए तो 26,000 पर मिनट डोजेस लगे हैं। उसको सेकंड्स में लेके आते हैं तो सेकंड में देखिए 434 डोजेस हर सेकंड में लगे, तो आप समझ सकते हैं कि पेस क्या था। और यही पेस और यही तेजी की वजह रही, यही जो सिस्टम था जिसने हमें इसको अचीव करने में फायदा दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हर महीने किस तरह से डोजेस की संख्या बढ़ी है। मीनाक्षी, हम लोग जिक्र कर रहे थे किस तरह से हमने 100 करोड़ को अचीव किया। फरवरी में देखिए कि 1 करोड़ डोज लग रहे थे पर मंथ, और वही देखिए जब मार्च में आया तो 5 करोड़ हो गया, अप्रैल में 9 करोड़ हो गया, मई में 6 करोड़ हुआ और जून में 12 करोड़, एकदम डबल हो गया। उसके बाद जुलाई में 13 करोड़, अगस्त में 18 करोड़, सितंबर में 23 करोड़ को टच कर लिया पर मंथ। इसमें आप आंकड़ों के लिहाज से आप ये समझाइएगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी इनिशियली उतनी शायद तेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये कैपेसिटी भी बढ़ती गई। शुरुआत में हम बाकी देशों को भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे थे, फिर बीच में हम लोगों ने ये काम उतना नहीं, थोड़ा धीमे कर दिया, और आज की तारीख में हम घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं और बाकी देशों में भी जहां पर जरूरत है वहां भी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। अमित जी, जी मीनाक्षी, आपको मैं एक और आंकड़ा बताते हैं कि किस तरह से हमने इसको अचीव किया, क्योंकि 9 महीने में कोविड के 100 करोड़ का डोज लगाना इतना आसान नहीं था। देखिए, 9 महीने में हमने कोविड-19 के 100 करोड़ लोगों को मास वैक्सीनेशन किया और पोलियो को करने में हमें 20 साल लगे। 20 साल, आप सोचिए कि पोलियो के डोजेस देने में 20 साल का वक्त लग गया। और वहीं टीवी के देखिए कि 32 साल लगे हैं टीवी के लिए। तो जो अमित आपको रोकेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल से वापस रवाना हो रहे हैं। वहां वो गए, उन्होंने डॉक्टर से, हेल्थ केयर वर्कर्स से मुलाकात की है और जाहिर आज का दिन उन्हीं लोगों को बधाई देने का है, उन लोगों का आभार व्यक्त करने का है जिन्होंने सबसे पहले खतरा मोल लेते हुए न सिर्फ कोरोना संक्रमितों का इलाज किया और उसके बाद जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। लोगों के अंदर अगर कोई डर था, वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी थी, उसको भी दूर किया। तो प्रधानमंत्री आज इस मुबारक मौके पर, ये बड़ा जब भारत ने कारनामा कर दिखाया दुनिया के सामने, उस मौके पर उन्होंने अस्पताल जाना सबसे उचित समझा कि अस्पताल जाकर डॉक्टर्स से मिले, नर्सेस से मिले, सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करें जिन्होंने कोरोना में सबसे आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। और शुरुआत में आपको याद हो तो कितने ही डॉक्टर्स, कितने ही हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जाने गई, उनको कोरोना संक्रमण हुआ था। तो प्रधानमंत्री अब आरएमएल अस्पताल से बाहर निकलते हुए, अच्छा सौरभ, आपको याद है कि जब हम यहाँ पर अलग अलग कॉन्क्लेव करते थे, डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते थे तो वो बताते थे एफिकेसी के बारे में, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना, फाइजर, इन सब के बारे में चर्चा होती थी। और अल्टीमेटली डॉक्टर्स हमेशा ये कहते थे कि वैक्सीन लगाना इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, फिर चाहे आप कोविशील्ड लगाएं, कोवैक्सीन लगाएं। और आज भी जो डिटेल्स अमित अभी बता रहे थे उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर एक तरह से लोगों के अंदर विश्वास जागा है, तभी तो हमने ये लक्ष्य हासिल किया। देखिए, बहुत बड़ी बात है और भारत ने वो वैक्सीन लगाई है जो भारत में बनी है पूरी तरीके से। हमने अभी तक इंपोर्टेड वैक्सीन, जिसमें स्पुतनिक है, उसका बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन उस लिहाज से नहीं, आंकड़ों के लिहाज से नहीं है, लेकिन लोग लगवा रहे हैं। वैक्सीन, हर वैक्सीन अच्छी है, हर वैक्सीन आपको कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बनाई गई है। और भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन वही लगी है जो भारत में बनी है, भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप की है, भारत की लैबोरेटरी में तैयार की गई है।
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको और देता हूं मीनाक्षी कि भारत में जितनी भी वैक्सीन लगी है अभी तक 100 करोड़ वैक्सीन आज हमने लगा दी है उसकी 65% वैक्सीन हमारे गांव में लगी है। यानी शुरुआत में यह भी शोर था कि शहरों में ही वैक्सीन आ रही है, बड़े अस्पतालों की चेनें जो हैं वो ज्यादातर वैक्सीन पर कब्जा कर ले रही हैं, गांव में नहीं जा रहा है वैक्सीन, छोटे शहरों में नहीं पहुंच रहा है, तो वो भी मिथक जो है आज टूटा है। 65% वैक्सीनेशन रूरल एरियाज के अंदर किया गया है। अब आप इसको पूरी दुनिया के साथ जरा एक बार कंपेयर कीजिए तो जो पूरी दुनिया की लो इनकम कंट्रीज हैं वहां केवल 3% आबादी को अब तक पहली डोज लग पाई है। उसके तुलना में आप भारत में देखिए, हमने इतनी बड़ी आबादी को जहां 200 करोड़ डोजेस की जरूरत है, 2 बिलियन डोजेस की, हम आधा लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, 100 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।